सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से जब सभी विदेशी बल्लेबाज अपने जलवे दिखा रहे थे, उसी बीच एक भारतीय युवा बल्लेबाज यह साबित करने पर तुला हुआ था कि भारतीय बल्लेबाज भी किसी विदेशी से कम तेज नहीं खेल सकते हैं। जब ट्रेविस हेड तूफानी पारी खेल रहे थे, उसी समय अभिषेक शर्मा भी बल्लेबाजी करने आए और आते ही इस तरह छाए कि ट्रेविस हेड भी उनके सामने फीके नजर आने लगे। आलम यह था कि ट्रेविस हेड ने मात्र 18 गेंद पर अर्धशतक ठोककर सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से आईपीएल इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक ठोका, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद अभिषेक शर्मा ने मात्र 16 गेंद पर ही अर्धशतक ठोककर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अभिषेक शर्मा ने 23 गेंद पर 63 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 7 छक्के जड़े। अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाज का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से एक से बढ़कर एक पावर हिटर बल्लेबाज खेल रहे थे, लेकिन दोनों टीमों का कोई भी बल्लेबाज उनके जितना तेज नहीं खेल सका। पूरे मैच में अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट सबसे अधिक रहा। अभिषेक शर्मा की इस ताबड़तोड़ तूफानी बल्लेबाजी से सेलेक्टर्स की नज़र में खटकने लगे हैं। अब हो सकता है कि अभिषेक शर्मा का जल्द ही चुनाव हो जाएगा भारतीय टीम में, क्योंकि वो जिस अंदाज में अपना बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्होंने एक छाप छोड़ दिया है। इतना तेज अर्धशतक अभी तक किसी ने आईपीएल में नहीं लगाया था। ये बहुत जल्द एक बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में उभरने वाले हैं और इसका फायदा टीम इंडिया को बहुत जल्द मिलने वाला है। सेलेक्टर्स की नज़र में चर्चाओं का विषय बन चुका है अभिषेक शर्मा। आने वाले भारतीय टीम में अभिषेक शर्मा बन सकते हैं बेहतरीन ओपनर के बल्लेबाज। तो फ्रेंड्स, आप भी कॉमेंट कर जरूर बताइएगा कि अभिषेक शर्मा का ये ताबड़तोड़ पारी आपको कैसा लगा। धन्यवाद।